वेलकम स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक जिसे कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। डबल मीन्स टू टाइम फर्टिलाइजेशन, जो है टू टाइम फर्टिलाइजेशन आकर होना इन प्लांट्स में जो कॉमनली रहती है एंजियोस्पर्म में, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। After entering one of the synergids, the pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of synergid and the falling two events takes place in the embryo sac. तो क्या कहता है, जैसे ही एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, ठीक है, तो पोलन ट्यूब जो है वो क्या करता है, दो मेल गैमेट्स को जो है साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स में रिलीज़ कर देता है। तो सिनर्जिड्स के जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर रिलीज़ हो जाता है, और उसके बाद जो है जैसे ही उनकी एंट्री हो जाएगी एक किसी एक सिनर्जिड में, तो उसके बाद जो क्या है उसका आगे वाला इवेंट्स जो है शुरू हो जाएंगे। वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, वो दो इवेंट्स हैं, एक कहते हैं हम सिनगैमी, एक इवेंट्स को कहते हैं सिनगैमी एंड अनदर इज़ कॉल्ड एज द ट्रिपल फ्यूज़न। तो दो तरीके के इवेंट्स रहते हैं, वन इज़ नोन एज सिनगैमी, ठीक है, एंड अनदर इज़ कॉल्ड एज द ट्रिपल फ्यूज़न। अब देखो, सबसे पहले है सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है, मेल गैमेट्स मूव टूवर्ड द एग एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस। तो क्या है, जो एक मेल गैमेट है, वन मेल गैमेट है, वो एग की तरफ मूव करेगा। व्हाट इज़ एग, एग जो है वो क्या है, सेंट्रल वाला सिनर्जिड जिसे उस पेयर कहते हैं, उसके साथ जो है कहते हैं, और उसके न्यूक्लियस के साथ क्या होगी, फ्यूज़न होगी। जैसे ही उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न होगी, रिजल्टिंग में क्या बनेगा, डिप्लॉइड। क्योंकि जो मेल गैमेट है वो भी मियोसिस से बना हुआ है, तो वो हैप्लॉइड है। जो एग है वो भी मियोसिस से बना है, वो भी हैप्लॉइड है। जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। और जैसे वो डिप्लॉइड सेल बनेगा, वो पहला सेल जिस जो डिप्लॉइड सेल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब ये देख लो, ये एक मेल गैमेट है एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक एग है एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जुड़े और क्या बनाया है, जाइगोट। जाइगोट इज ए 2n। तो जाइगोट क्या होता है, 2n होता है, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या करता है, जाइगोट आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। किसकी करता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, ठीक है। अब बात आ रही है हमारे पास सेकंड इवेंट की, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। ये हमारी ट्रिपल फ्यूज़न की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, दो मेल गैमेट आए थे, एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज़ होकर जाइगोट बना गया, जो आगे जाके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। अब दूसरा वाला कह रहा है, जो ट्रिपल फ्यूजन की बात कर रहा है, तो दूसरा वाला मेल गैमेट जो है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, एन है, वो फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई। क्योंकि सेंटर में सेंटर सेल जो है वो दो पोलर न्यूक्लियस के बना है, तो इसका मतलब है कि उसमें न्यूक्लियाई कितने हैं, दो है। दैट मीन नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, दो सेट होंगे। तो मेल गैमेट के पास एक सेट है और पोलर न्यूक्लियाई के पास क्या है, टू सेट है, ठीक है, लोकेटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। और फिर क्या होगा, फ्यूजेस टू फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जैसे फ्यूज करेंगे तो वो ट्रिप्लॉइड की फॉर्मेशन करेंगे और रिजल्ट में क्या बनेगा, PEN, जैसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो, ये था मेल गैमेट, अनदर मेल गैमेट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, एन था। फ्यूज किसके साथ किया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये क्या है, 2N है, 2N और 1N ऐड हुआ तो क्या बना, 3N बना। तो क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज 3N। तो ये 3N क्या, ठीक है। अब जो कहता है, द टू फ्यूजन आकर इन एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में कितनी फ्यूजन हुई, दो फ्यूजन हुई, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम डायग्राम देखेंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से मेल गैमेट क्या है, किसके साथ फ्यूज करता है। तो ये हम बना रहे हैं स्टाइल स्टिक, ये आ गया हमारा कार्पल, ठीक है। अब इसके बीच में क्या फॉर्मेशन हुई होगी, इसके बीच में फॉर्मेशन हुई है हमारे पास एम्ब्रियो सैक की। सोचो, ये हमारा एम्ब्रियो सैक, ये आगे हमारे एंटीपोडल, ये आ गया हमारा सिनर्जिड, ठीक है, और ये है हमारे पोलर न्यूक्लियाई, यही थे। ये हमारे हैं एंटीपोडल, ये हैं हमारे
सिनर्जिट, और ये सेंटर वाला है हमारे पास ओस्फेयर। क्या है? ओस्फेयर। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से आया हमारा पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन बना, पोलन ग्रेन बना, और इसने क्या की, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुई, यही पोलन ट्यूब है। इस तरीके से पोलन ट्यूब आते 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 कहाँ तक जाएगी? एम्ब्रियोसैक तक। अब यहाँ रिजल्ट में क्या आए थे, दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट, दो मेल गैमेट। ठीक है, ये टू मेल गैमेट हैं। ठीक है, अब देखो जो एक मेल गैमेट है वो जाकर फ्यूज़ करेगा इसके साथ। ठीक है, इसके साथ ये इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है एन, और ये इसका नंबर क्या है, एन। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, एन प्लस एन रिजल्टिंग जाइगोट बन जाएगा। तो ये एक फर्टिलाइजेशन होगी, इस फर्टिलाइजेशन क्या, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो, इसको कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सोच लो आप। ठीक, अब दूसरी बात कर रहा हूँ मैं, सोचो दूसरा, ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो जाकर फ्यूज किया इसके साथ। ठीक है, ये क्या है, इसका नंबर कितना है, एन है, और इसका नंबर कितना है, टू एन है। ठीक, अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या हुआ, एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियस, दो पोलर न्यूक्लियस, एक मेल गैमेट जुड़ा, एन प्लस टू एन जुड़े, क्या बनाया, थ्री एन फॉर्मेशन, जिससे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे जाके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर देगा। तो इससे पता लग रहा है आपके पास फर्टिलाइजेशन के लिए, एक फर्टिलाइजेशन जो मेल गैमेट है वो जाकर फ्यूज किया ओस्फेयर के साथ, एग के साथ, और बना गया आपका जाइगोट, जो आगे जाके एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। दूसरा मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, ये मेल गैमेट है वो फ्यूज किया हमारे पास पोलर न्यूक्लियस के साथ। ये कितने पोलर न्यूक्लियस हैं, दो पोलर न्यूक्लियस हैं, ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इसमें। जब इसके साथ जुड़े एन ओ टू एन जुड़ के क्या बनाए, थ्री एन, तो यही है एन प्लस टू एन रिजल्ट इन थ्री एन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। तो होप करता हूँ आप सभी को ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है समझ आ गया होगा।